जय हिंद एवरीवन ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भागवेत ओम शांति 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 इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहे सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े जय हिंद स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग एवरीथिंग इज गुड फाइन ओके आज हम क्या करेंगे चैप्टर नंबर 19 आम आम मतलब फ्रूट फल है हमारा राष्ट्रीय फल है तो आज उसके बारे में हम सीखेंगे लास्ट चैप्टर में हमने गुणकारी सब्जियां मतलब हेल्दी वेजिटेबल्स के बारे में सुना समझा था और सीखा था तो आज हम क्या करेंगे आम चैप्टर नंबर 19 आम पर बातें करेंगे तो चैप, आप सबको परिवेश की बुक में पेज नंबर 92 ओपन तो करना है आप सब भी ओपन करो और मैं भी ओपन करती हूं मेरा तो पेज नंबर 19 ओपन हो गया है I hope कि आप का भी पेज नंबर नाइनटीन ओपन हो गया होगा तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे जैसे हर टाइम हम करते हैं मैं एक एक शब्द रीड करूंगी आपको मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है राइट चलो स्टार्ट करते हैं। नाइनटीन चैप्टर आम मैं हूं एक छोटा सा आम पर आता हूँ कई काम कच्चा हूं तो बनता अचार खट्टा मीठा बड़ा मजेदार पक्कर हो जाता रसीला रंग होता मेरा हरा और पीला का कामय राजा कहलाता मुझको खाकर मजा है आता छोटे बड़े रूप में आता हर घर में मैं लाया जाता राष्ट्रीय फल हूं मैं कहलाता सबके मन को हूं फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा है यहाँ पे इस पिक्चर में क्या बताया है कि आम अपने आप को क्या कहता है मैं हूं एक छोटा सा आम मैं हूं एक छोटा सा आम पर आता हूँ सबके काम बहुत सारे काम में हम यूज़ करते, है। यूज करते हैं आम का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम खाने में अचार बनाने में मुरब्बा बनाने में जूस बनाने में राइट अगर कच्चा है तो अचार बनाने में यूज़ होता है खट्टा मीठा होता है बहुत मज़ेदार अगर थोड़ा पककर हो जाता है येल्लो राइट पहले ग्रीन था तो वो एकदम कच्चा था तो वो अचार अचार बनाने में यूज होता था फिर वो थोड़ा पक्का रसीला हो जाता है तो उसका रंग कैसा होता है हरा पीला आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है हरा पीला फलों का राजा कहलाता, आम क्या है फ्रूट का राजा राइट फलों का राजा है मुझको खाकर मजा है आता आम खा के सबको बहुत मजा आता है तो वो अपने आप को क्या कहता है कि मुझको खाकर मजा है आता छोटे बड़े सब रूप में आते मतलब आम के अलग अलग सेप होते छोटे वो एक बहुत छोटे छोटे होते कच्चे आम फिर पक्के होते तो वो छोटे बड़े दोनों रूप में आता है और सारे घर में आम लेकर आते खाने के लिए जब हमारी समर की सीजन होती है तो सब लोग आम लाते कच्चे पक्के आम तो वो सबको अच्छे लगते इसलिए सब लोग समर के सीजन में जो मतलब गर्मी की सीजन में आम खाने के लिए ले आते हैं राष्ट्रीय फल में मैं कहलाता हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है आम तो राष्ट्रीय फल आम को हम कहते हैं और सबके मन को हूँ मैं पाता मतलब सबके मन को पसंद है मतलब सबको बहुत पसंद है ये आम सबको बहुत पसंद है इसलिए मैं सबको बहुत पसंद करता हूँ तो ये चैप्टर था नेक्स्ट पेज पे आपको दो क्वेश्चन दिए अलग अलग तीन पिक्चर्स दिए सबसे पहले क्या है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है तीन ऑप्शन दिया है सेब आम या केला राष्ट्रीय फल हमने आगे सीखा था राइट right, मैंगो आम तो सेकेंड वन में मार्क लगाएंगे कौन सा आम अचार बनाने के काम आता है कौन सा आम अचार बनाने का आता है एकदम ग्रीन कच्चा आम या फिर येलो ग्रीन या फिर प्योर येलो कौन सा काम आएगा यस एकदम कच्चा वाला होता है ना वो आम तो फर्स्ट वन इज राइट आंसर इसके आगे हम टिक मार्क करेंगे ये तो हो गया हमारा परिवेश की बुक में अब आप सबको क्या करना है अमिटी की बुक में पेज नंबर सिक्सटी सिक्स ओपन करना है तो आप सब भी ओपन करो और मैं भी ओपन करती हूँ मैंने तो पेज नंबर सिक्सटी सिक्स ओपन कर लिया है आई होप कि आप सब पेज नंबर ओपन किया होगा सबसे पहले यहाँ चैप्टर नंबर टाइटल क्या है फोर्टी फाइव बुझो तो जाने यहाँ सबसे पहले आपको डेट लिखनी है और एच डब्ल्यू लिखना है यहाँ फाइव क्वेश्चन है हमें याद रखना है कि क्या आंसर आएगा सबसे पहले है मैं फलों का राजा हूं फलों का राजा कौन था आम तो हम यह आंसर क्या लिखेंगे आम उसके बाद है मैं एक ऐसा फल हूं जो लाल रंग का हूं और मेरे सिर पर लाल ताज है मैं एक ऐसा फल हूं जो लाल रंग का हो मतलब जो रेड कलर का फ्रूट हो और उसके ऊपर लाल ताज हो तो वो अनार होता है पोमग्रेट। इसके बाद मई पा सप्त की हरी सब्जी हूँ जो आपको ताकत देती हूँ और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाती हूँ आपके दोस्त पोपाई की पसंदीदा हूँ पा सब्ज से कौन सी हरी सब्जी बनती है जो मैं बहुत ताकत देती है हमने लास्ट चैप्टर में ही सीखा था गुणकारी सब्जी में अगर आप लोगों को, को याद है तो राइट right? और उस वो खाने आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और आपका जो पसंद जो फेवरेट शो था शो राइट right? उसमें पोपाई क्या खाता था पालक राइट right? तो पालक ये आंसर क्या होगा पालक तो आप लोगों को क्या लिखना है पालक पक लगी आपकी मात्रा पालक देन नेक्स्ट वन मैं भी लाल हूं और मेरे सिर पर भी हरा ताज है पर मैं फल नहीं एक सब्जी हूं ये क्या है एक रेड कलर का गोल मटोर सब्जी है बट उसके ऊपर ग्रीन कलर की लिवस होती है छोटी छोटी तो वो कौन सी सब्जी है टमाटर खट्टा मीठा होता है टमाटर तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे टमाटर नेक्स्ट मैं एक मिर्ची सब्जी हूं जिसके आगे एक जगह का नाम लगता है कौन सा कैप्सिकम उसे हम क्या कहेंगे शिमला मिर्च राइट और शिमला एक जगह का नाम है तो यहाँ पे कौन सी मिर्च आएगी शिमला मिर्च राइट तो ये भी आपको होमवर्क में करना है तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर नाइनटीन कंप्लीट और ये अमिटी की वर्क बुक में भी वर्क कंप्लीट थैंक यू